मर्सिडीज वाला मजाक है। फिर विराट इतना अच्छा था तो T20 वर्ल्ड कप की फर्स्ट टीम में क्यों नहीं आ रहा? के चक्कर में आपको विराट कोहली को मुझे ऐसा लग रहा है? नहीं नहीं, सारे सवाल इसी पे करो सारे सवाल इसी पे करो कि भाई संजय मांजरेकर ने अपनी टीम में नहीं रखा उसको, और सिलेक्टर कह रहे हैं कि भाई खेलना तो एज ओपनर। अबे संजय मांजरेकर जैसी क्रिकेट ना 15 दिन में तुम्हें भी खिलवा दूंगा दोस्तों। उसने तो कृणाल पांड्या को रख लिया था पैकेज में, लोग हार्दिक को बाहर करने के चक्कर में उसने कृणाल को रख लिया। ये मैंने पहले भी कहा है कि ये अपने अब्बा की टीआरपी लेते हैं, जैसे वसीम अकरम ने कहा था ना इनके अब्बा कमिश्नर ना होते क्रिकेट ना खेल पाते, किसके लिए? रवि राजा के लिए। मैंने तो नहीं कहा, उन्होंने किताब में लिखा, लोग कहते हैं किताब में लिखा, किताब में लिखा। अच्छा मैं नहीं कह रहा। अच्छा ये पाकिस्तान के और इंडिया के ये दो ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके पास कवर पे कुछ है ही नहीं। कवर तो है ही नहीं इनके पास। चल गया चल गया, नहीं चला तो जान तक सुनिए। वो संजय मांजरेकर और अमित भाई दोनों वर्ल्ड क्लास थे भाई। कवर पे कुछ नहीं है तो यूसुफ भाई कहते हैं ना कि इनको बोलो कि कवर के शॉट गिरा दे जरा। कवर क्या तो ये कमेंट्री में तो बता देंगे, इंग्लिश इंग्लिश कमेंट्री में तो बता देंगे, मगर खेल के नहीं दिखाते। आता है ठंडी ठंडी का, मैं ये कह रहा हूँ ये वो दुकानें हैं जो बोसीदा है आसूदा है। इन दुकानों में ना तो कोई माल बिक सकता है ना ही बेच सकता है। इनके पास सिर्फ अपना एक पर्सनल एजेंडा है। कृणाल पांड्या, अबे ये विराट कोहली इतना बड़ा नाम है इसकी टीम में आ भी नहीं सकता, इसके मुंह में नहीं आ सकता, ये तो नाम इसकी टीम में कैसे आएगा? तुम्हारी ऐसी की तैसी। अबे तुम्हें सुनता कौन है ये बताओ? अब्बा के नाम पे जो टीआरपी है तुम्हारी वही चल रही है। मुझे याद है कि तुम्हें इंग्लैंड की कमेंट्री टीम में निकाल दिया गया था जब इंडिया गई थी, क्यों निकाल दिया गया था बताओ भाई? क्या संजय मांजरेकर को आपने हार डाली है ना विराट की बात हार डाली है? कृणाल पांड्या बेचा उसने कैसे भी रखो वर्ल्ड कप में? अबे यार रिंकू के लाले पड़ गए, गिल के लाले पड़ गए, इस आदमी को कृणाल याद आ रहा है। हार्दिक पांड्या के साथ ये वो आदमी है जो पैकेज बेचते हैं। मैंने कहा था ये पांड्या पैकेज है पूरी फैमिली। ये तो अगर कृणाल पांड्या भी होता ना ये बोलता ये काम करो पांड्या फैमिली में ले जाओ। इस कदर महले हैं ये, समझे नहीं इनके पास। प्रोफेशनल चीजें कोई यारी दोस्ती और फैमिली बेचने पे नहीं चलती, वो प्रोफेशनल लोगों पे चलती है।